अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे होंगे, ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे और अपने हिफ्ज़ में मान कर रखे, और जहाँ जहाँ से राब आए हुए हों उनको भी अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करे। अच्छा जी, ऐसा है कि शाही किले में हम लोग आए थे लास्ट, तो हमने पहला व्लॉग कम्प्लीट किया था पार्ट वन के हवाले से, और पार्ट टू हम लॉन्च कर रहे हैं। तो शाही किले में जब हम लोग गए तो हमारा दिल थोड़ा सा बहुत वो हुआ कि शाही किले को मुख्तलिफ जगहों से इन्होंने बंद कर दिया है और मुख्तलिफ जगहों पर लॉक किया हुआ है, और उसको मेरे जरूरी कॉल सी टीम ने इसको कंट्रोल किया। पर दुख ये हुआ कि शाहजहाँ आपने जाना है तो आप कैमरे से वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ भी नहीं बना सकते। ऐसी बहुत सारी जगहों पर हमें नोटिस बताया गया कि जी फाइन है फाइन है फाइन। तो वहाँ पर वॉल चेकिंग भी नज़र आई शाही किले, हेरिटेज में यूनेस्को ने इस पर इतना पैसा लग रहा है और अभी तक लग रहा है, आपको नजर भी आएगा आगे जाके। पर उसके बावजूद हम लोग पता नहीं अपने नाम और अपनी वर्दियत और अपने नंबर्स और अपना लिख के जाते हैं कि हम लोग यहाँ आए शाही किले में आए। पता नहीं वो क्या बताना चाहते हैं मेरे भाई, खुदारा खुदारा खुदारा। इन चीज़ों की विरसा है और थोड़ा सा ख्याल करें कि ये हमारा विरसा है, यहाँ से हम इससे पैसा कमा सकते हैं। टूरिज्म होती है, टूरिज्म से जो लोग आते हैं, और वो जब आपके नाम और ये वॉल चेकिंग और आपके अल्फाजा जो लिखे हुए नज़र आते हैं वो देखते हैं, तो वो भी कहते हैं कि ये कैसी कौम है यार। दूसरा देखें आप यहाँ पे पॉइंट्स कितने पॉइंट्स को रखा गया है, कुछ मौजूदा वक्त ने भी इनको बर्बाद किया है, कुछ हमने भी किया। तो शाही किले के हवाले से मुझे कुछ चीज़ें ये हुआ कि काफ़ी जगहों पे इन्होंने सिक्योरिटी अलर्ट की हुई है कि मूवी नहीं बना दी आपने कैमरे से, यहाँ नहीं जाए वहाँ नहीं जाए। तो कुछ कोने कुतरे ऐसे थे कि बल्स घुसे ने और वो शायद था वॉल सिटी की या क्या था, या ये पैसे लेके उनको जगह प्रोवाइड करते हैं। वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जबकि मैंने जाके कंप्लेन भी की कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने उस पर जाए अच्छा जी हम देखते हैं फ़ौरन एक्शन लेने के, अच्छा जी हम देखते हैं, जैसे कि वो लोग इन्वॉल्व थे इसमें, मेरे तो ये हुआ। बाकी आप खुद सोचें कि ऐसी जगहों पर लोग आते हैं, फॉरनर्स आते हैं दूसरे शहरों से, दोनों से लोग आते हैं, तो उन पर क्या असर पड़ता है इस चीज़। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा वो पॉइंट्स जहाँ जहाँ था ये वाकया हो रहा था, और मैंने एडमिन ऑफिस में भी रब्ता किया, उनको भी इसके नॉलेज में भी लेके आया कि जी ऐसा हो रहा है वहाँ कब उस तरह से कोने में, आप लोगों ने कैमरे लगे हुए हैं सारा कुछ है, तो फिर उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। नहीं जी वो सिक्योरिटी वाला इधर गया होगा उधर गया होगा, आपका काम है इन चीज़ों को कंट्रोल करना। कंट्रोल कर रहे हैं कि आप मस्जिद में मूवी नहीं बना सकते, आप शीश महल की मूवी नहीं बना सकते, वीडियो नहीं लॉन्च कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो लिहाजा ठीक है यार। था कि मुख्तलिफ जगहों से इसको रिपेयर किया जा रहा है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पे फ्रंट साइड पे ये सारा लगा हुआ है, इसको टोटल रिपेयर किया जा रहा है और हर तरह इसकी रिपेयरिंग जा रही है, पर बहुत ही स्लो लेवल पे पिछले 10 दिन में ही काम होता हुआ। पर वो एक जगह मुझे दूसरी जगह पता लगता है कि वो मेमोरी गिर गई है क्या हुआ। तो इसी तरह ये कुछ जगहें हैं जो बंद हैं और कैमराज लगे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने किस मकसद के लिए लगाए हुए हैं आई डोंट नो। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा था। मैंने इनको कैप्चर नहीं किया क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ थी, मे बी मैं गलत भी हूँ, पर वो चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्लेस पे। वॉल सिटी डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ सारा कुछ है, पर यहाँ पे
बहुत कुछ हो रहा है, और इंतज़ामिया को शिकायत करने के बाद भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला उसका कि उन्होंने उस पर एक्शन ऑफ रिएक्शन लिया। वो तो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि उनके नॉलेज में है सब कुछ। तो इस चीज़ को यानी मैंने आगे कैप्चर किया है, फेसेस नहीं मैंने उनको दिखाया। यहाँ पे हमें जगह जगह पे वॉल चॉकलेट नज़र आती है, लोगों के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपके सामने ही, और इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर ये हालात हैं और वॉल सिटी डिपार्टमेंट इसको कवर अप नहीं कर सकती, ये कंट्रोल नहीं कर सकती है जो भी है, तो उनको चाहिए कि फिर वीडियो तो कम अज़ कम बनाने दें कि वीडियो हर जगह क्यों ब्लॉक की हुई है हमारे लिए। हर जगह अगर उन्होंने बंद किए, ये जंगले लगाए हैं, बल्कि यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो कि भाई स्प्रे गए उनके पास ना हो, मार्कर ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। वॉल चेकिंग आपके सामने है जो भी है यहाँ नज़र आ रही है। तो दुख हुआ इन चीज़ों को देख के कि इन्होंने क्या किया इसके साथ, देखिए आपके सामने बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने नाम और पता नहीं क्या क्या अल्फाजात कलमात लिखे हुए। वो ऐसा क्यों करते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आएगी इसकी क्या वजह। अभी आपको एक जगह और भी दिखाते हैं, ये कमरे अंदर कुछ थे तो इन रूम्स के अंदर तक यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो जहाँ पे अपना नाम ना लिखे जाहिर ना किए। हर जगह पे नाम आपको नज़र आएंगे, अल्फाजात नज़र आएंगे, और वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या जज्बात हैं उन लोगों के। तो वॉल सिटी डिपार्टमेंट को चाहिए कि बहुत बड़ा वाइट सा बोर्ड लगा दें मुख्तलिफ साइट्स पे, जो भी आता है वहाँ पे अपने तासरात जो भी लिखना चाहे वो वहाँ पे लिख के चला जाए। भाई इन वॉल्स को रंगीन मत कर, दुनिया में है कहीं भी देर मत ही नहीं होती है जगहों के जितनी हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती है। हम तो ना मस्जिद छोड़ते हैं, मंदिर है ना, गिरजा छोड़ते हैं, ना कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस, ना कोई कब्र, ना कोई मकबरा, हर जगह अपना नाम छोड़ के आते हैं और जहाँ भी जाते हैं, हत्ता के सुनने में आया कि गारा हीरा में भी हम लोगों ने अपने नाम लिखे हैं। तो यानी पता किसान ही होके गया। तो भाई अपने आप को बदलें वक्त के साथ। ये देखें यहाँ भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इतनी बेहरमती करते हैं कि समझते हैं।
इस साइड पे हमें ये मिला कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे यहाँ पे म्यूजियम है। म्यूजियम की इस साइड पे यहाँ पे दो कमरे थे जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है, तो उन दोनों कमरों में कपल थे। और ये जो सामने आपको नजर आ रहा है यहाँ भी एक साथ थे खातून के साथ, जंगला लगा हुआ था। हम लोग जब अंदर गए तो उनकी हलचल मच गई, वो आगे पीछे हो गए। तो इंतज़ामिया से मैंने बात की वहाँ पे, मैंने उनके नॉलेज में लाया कि जी ऐसा हो रहा है, आपने हमें ऐसे इग्नोर की इस बात को जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है उनके लिए कि यहाँ पर रेगुलर। मुझे तो ऐसा फील हुआ, दुख भी हुआ कि यहाँ पे हम कैमरा लेके आए हैं तो उन्होंने हमें जी कैमरा स्टिक पे ना लगाएं, कैमरा ये ना करें, कैमरे को इस तरह ना यूज़ करें, मस्जिद में कैमरा यूज़ ना करें, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने फेस नहीं लिया इनका, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर इधर हिडन प्लेसेस पे इनका क्या काम है खातून के साथ। तो फैमिली, ये फैमिली यार आती है यहाँ पे, फॉरनर्स भी आते हैं, दूसरे मुल्कों से लोग भी आते हैं, अदर कंट्रीज से भी आते हैं, तो उन पे क्या तासर पड़ता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें आम हैं। तो खुदा रहा इन चीज़ों का ख्याल करे गवर्नमेंट भी और अदारे भी कि ठीक है आप कैमरा नहीं लेके जाते जी वहाँ पे शूट होता है इस तरह है ये है लोग, तो भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं इनकी तरफ भी ध्यान दें आप। बता हम तो देख के बड़ा बड़ा अफसरदा हुआ हूँ मैं कि ये क्या है। तो लिहाजा ब्लॉग मेरा यहीं तक है, इससे आगे फिर इंशाल्लाह इसका पार्ट थ्री भी हम लेके आएंगे, उसमें भी आपको दिखाएंगे क्या इनमें चेंजिंग्स आई हैं क्या नहीं आई। ब्रिटिश दौर में इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स की गई हैं शाही किले की, बहुत सारी चीज़ें बंद भी की गई हैं, इसका अंडरग्राउंड नीचे सारा टोटल जेल में कन्वर्ट हो चुका था जो वक्त के साथ साथ बंद हो गया, डैमेज हो गया, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और अभी इसमें पैसा लग रहा है, यूनेस्को हेरिटेज में आई है बिल्डिंग्स, तो उसकी वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग आज का पसंद आएगा इंशाल्लाह। हाँ यार, ये हौसला अफजाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे इस तरह की वीडियोस हम अपलोड करते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।